अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज जॉन फ्रॉम जेके टेक। तो यार आपने टाइटल में समझ नहीं पाए होंगे आप, भाई क्या चीज़ है ये। तो भाई ये एक्चुअली एक सोनी की एक एस फ्रेम है। एस फ्रेम मतलब जो ऐसी फ्रेम होती है जो कि आपकी इमेजेस चलती है एक स्क्रीन के ऊपर, एक कह सकते इलेक्ट्रिक फ्रेम होती है। बाकी ये बहुत पुरानी है, मतलब 2008 की है, और 2008 के अंदर ये एक फ्रेम अवार्ड भी जीती है। मैं लिख दूंगा, मुझे याद नहीं कौन सा अवार्ड है। तो जो है पूरा एक फ्रेम अवार्ड भी जीती है ये फ्रेम। तो भाई ये काफ़ी प्रीशियस चीज़ है अनबॉक्सिंग करने की, और मैं जो है उसको अपने सेटअप में भी यूज़ करने वाला हूँ। और आई एम प्रिटी श्योर कि शायद ही किसी के पास इसका पूरा बॉक्स होगा, इसकी सारी एक्सेसरीज होंगी, इसकी एक एक चीज़ होगी, और वो उसकी अनबॉक्सिंग कर सकता है। तो भाई मेरे पास बिल्कुल बॉक्स पैक है ये, सही है, आपको हार्डली जो है बॉक्स पैक अवेलेबल मिलेगा आपको कहीं भी। तो बहुत पुरानी फ्रेम है ये, और काम भी आएगी, हम इसको यूज़ भी करने वाले हैं। तो भाई आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, चलते हैं भाई अपनी अनबॉक्सिंग की तरफ। चलते हैं भाई अनबॉक्सिंग की तरफ। तो उसका बॉक्स कुछ ऐसा है, और ज़रा सी यार इस पर टेप ये भी लगी हुई जो कि शायद आपको नज़र ना आ रही हो, बिकॉज एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, उसको कम करके दिखाता हूँ जी। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि जो है इसके अंदर टेप भी लगी हुई है। ज़रा सी बात है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है, और बड़ी मुश्किल से मैं इसको अरेंज कर पाया हूँ। और बाकी बॉक्स पर उसने लिखा सिर्फ और सिर्फ सोनी लिखा हुआ है। तो मज़ीद अनबॉक्स करते हैं भाई इसको। सबसे पहले भाई एस फ्रेम यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये कुछ इस तरह निकले हैं। सही, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह निकले। ये इसके फ्लैप्स हैं, और ये यूँ निकलेगा। सही, अब ये है इसका मैनुअल आई थिंक। वेट, यहाँ से ही खुलेगा। वैसे पैकेजिंग काफ़ी अच्छे का देखा जाए, क्योंकि बहुत पुराना है ये, तो पुरानी पैकेजिंग के हिसाब से भाई काफ़ी प्रीमियम पैकेजिंग है। बाकी इट्स वेरी हार्ड टू ओपन। सही है, खुल गया। सही है, और इसके अंदर जो है वो मैनुअल ही दिए गए हैं। इसका मॉडल है DPF V900 है, V700 है ये वाला जो वर्जन है। इसके दो दिए हैं, दो अलग अलग लैंग्वेज हैं। तो इसको रखते हैं जी हम साइड पे। ये जो है हमारा एसक्रीम वाला था, इसको भी रखते हैं हम साइड पे। तो भाई मेन चीज़ पर आ जाते हैं। तो भाई ये है इसकी, बल्कि साइड से शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये है इसका रिमोट, क्योंकि देखिए इसकी खुद की भी पैकेजिंग हुई हुई है, मतलब ये बहुत हार्ड है अभी फाइंड करना आपको। ये इसका रिमोट है। रिमोट निकाल के पहले देख लेते क्या क्या फंक्शन इसके अंदर दिए गए हैं, इवन दो इसका ये प्लास्टिक तक लगा हुआ है। बाकी आपको फंक्शन दिखा देता हूँ मैं इसके। यहाँ पे व्यू मोड है, जूम जूम इन, मेन्यू, एरो बटन है, पावर बटन है, बैक बटन है, और ये लिखा हुआ, ये कुछ अलग लिखा हुआ। तो ये इसका रिमोट कंट्रोल है। ये चार्जर है, चार्जर नहीं है एक्चुअली, ये जो है डायरेक्ट चलता है आपके पावर से। तो यहाँ पर जो है मुझे इसका एक एडेप्टर, साथ में इसकी पिन। तो पिन काफ़ी यूनिक सी पिन है इसकी, अगर मेरा कैमरा फोकस कर ले, जो कि हमेशा से मुश्किल होते हैं। यस, ये इसकी पिन है। सही है, ये इसके आउटपुट देख लेते हैं। तो 8.4 वोल्ट 1.7 एम्पेयर का सही कन्वर्टर है। बाकी ये जो है इसका टाइट कर लेंगे। ये इसका डायरेक्ट कॉर्ड है जो आपके प्लग में घुसेगी, और ये जो है ये एडाप्टर के अंदर घुसेगी।
ओके तो भाई ये उसका जो है केबल यूएसबी रेडी। अब आ जाते हैं भाई दोबारा बॉक्स के ऊपर। सही है, हाँ ये जी इसको लेते हैं। यस सो भाई ये है सोनी की एस फ्रेम, आप देख सकते हैं। आपको मैं भी पूरा नज़र आ रहा हूँगा, मेरी रिंग लाइट भी नज़र आ रही होगी, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर जो है सोनी मेंशन नहीं हुआ हुआ, इधर सोनी इसलिए मेंशन नहीं हुआ हुआ बिकॉज इसके अंदर लाइट है, जब उसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ सोनी। ये अवार्ड है जो ये जीत चुका है, इसका बाकायदा स्टिकर भी लगा हुआ है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, इसको यूज़ नहीं किया गया। 2008 अवार्ड्स TIPA बेस्ट फोटो फ्रेम का अवार्ड इसको मिला है। सही है, और ये है जी इसका बैक, इसका जो है ये इसके अंदर बैक पे कुछ चीज़ें हैं, इसके अंदर मोड्स काफ़ी ज़्यादा, मतलब सोर्सेस काफ़ी ज़्यादा है, मीन कि जो है जहाँ से आप अपनी जो है फ़ोटोज़ को लोड करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास मेमोरी स्टिक डुओ है, सही है, ये एक माइक्रो ड्राइव के लिए, ये SD कार्ड के लिए है, और ये HDMI के लिए, HDMI आउट एक्चुअली, ये अक्सर लोग समझेंगे और मैं भी काफ़ी जो है देख के इसको हैरान हो रहा हूँ कि यार ये HDMI आउट है, मतलब आप इसके अंदर कोई जो है HDMI डाल के इसके ऊपर उसका रिज़ल्ट नहीं देख सकते, बल्कि इसका रिज़ल्ट किसी आउट को दे सकते हैं। तो HDMI आउट पोर्ट है, इसको ही नहीं समझेगा, ये एक वो जो USB कहते हैं सिर्फ ये वो है, और जो है ये डैट नॉर्मल USB है जो आप जो है अपने USB A जैसे कहते हैं, और ये है इसका DC-in। सही, बाकी यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये रही। अब इसको ऑन करके चेक करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ये कैसे वर्क करते हैं। ओके जी, तो भाई मैंने पावर कॉर्ड जो है इसकी कनेक्ट कर ली है, अब तो यहाँ पे था आई थिंक, यस नहीं जो सही, यस तो भाई अब ये ऑन नहीं, यस इधर एक लाइट जल रही है, ये एक्चुअली आपको देख पिंक कलर की रही है लेकिन है रेड, मैं फोकस करके दिखा दूँ जी। तो एक पावर का बटन है, ठीक है, अच्छा एक्चुअली जो स्टिक है ना पीछे वो उसका स्टैंड है, सही है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी लोडिंग, मैं एक्सपोजर लो कर देता हूँ ताकि जो है आपको अच्छे से दिखे। मैं दिखा रहा है कि जो है आपको SD कार्ड प्लग इन करना है, तो ये आपको कुछ व्यू दिखाएंगे जो है सिंगल व्यू, उसके व्यू मोड्स हैं, तो इसका इंट्रो काफ़ी लंबा होना है, तो ये जो उसका है, तो मैं आपको अभी जो है चल के दिखाता हूँ भाई इसका क्या सीन है। ओके तो इसका रिमोट जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, सेफ एक्चुअली इसका पूरा इंट्रो जो है ये आपको बाकायदा सारे मोड्स को इंट्रोड्यूस कराएगा जब तक आपको इसके अंदर सोर्स इंसर्ट नहीं करता, अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है कुछ इंसर्ट करने को, तो आपको फ़िलहाल कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ भाई। ये है इसका व्यू मोड, इसके काफ़ी ज़्यादा व्यू मोड्स हैं, यहाँ पे जैसे क्लॉक आएगी, यहाँ पे आपकी फ़ोटो आएगी, सिंगल सिंगल फ़ोटो एक के बाद एक चल रही है, मल्टी फ़ोटोज़ 1 2 3 इधर आ रही है, एक है कैलेंडर व्यू, क्लॉक की जगह सेम इस तरह जो है कैलेंडर आएगा, जिस तरह यहाँ पर क्लॉक है उस तरह यहाँ पर कैलेंडर आएगा, तो इस तरह के कुछ मोड्स हैं। बाकी जूम इन जूम आउट का जो है, क्लॉक चलाने के लिए सिर्फ क्लॉक, मतलब जो है ज़रूरी नहीं जो है आप फ़ोटोज ही चलाएं इस वक्त, ये स्लाइड शो का है, और ये सारे जो है इसका मेन्यू में इसकी काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, और HDMI से कनेक्ट करने की, इसके फ़ोटोज़ के इंटरवल की, तो काफ़ी सारे सेटिंग्स हैं, उसकी इंटरनल मेमोरी है मेन चीज़ इसकी इंटरनल मेमोरी है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इंटरनल मेमोरी में आप कैसे इंसर्ट करेंगे, तो सिंपली आपने ये करना है, आपने कोई सोर्स इंसर्ट करनी है, अपने मेन्यू में जाना है, उसके अंदर जो है सेटिंग होगी कि आपको जो है अगर आपको उसी में से अपनी इंटरनल स्टोरेज में से डालना है तो आप कर सकते हैं। अच्छा इसके अंदर ऑटो टचअप का भी फीचर है जो कि आप देख सकते हैं, अच्छा ये थोड़ा आगे हो गया है, एक्चुअली ऑटो टचअप होता ये है कि आपकी कोई फ़ोटो जैसे अंदर रेड आइज है या जो है थोड़ी डल है, तो उसको खुद जो है टचअप करेगा, और जो है ये देखें दोबारा आ चुका है, ये आपको इसका एग्जांपल दिखाएंगे, ये देख सकते हैं इसकी रेड आइज़ है और ये इसको पूरा टचअप है, तो ये
ये है, और ऑटो ओरिएंटेशन भाई इसका मोस्ट अच्छा फीचर है। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सोनी लिखा हुआ है, सही है। अब जिसका सोनी एक्चुअली लिखा हुआ है वो डिस्प्ले के ऊपर नहीं लिखा हुआ, सही है। अब मैं आपको ये, अब मैं आपको मैजिक ये देखिए, तो ये इस तरह हो गया। और यहाँ से आप देख सकते हैं सोनी आ गया, मैं इसको दोबारा यूँ करूँगा, अब सोनी यहाँ पे दोबारा आ गया। तो यार ये था, अब जो है इंशाल्लाह मैं इसका रिव्यू भी लाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने इसको सही से यूज़ नहीं किया, जाहिर सी बात है अभी अभी अनबॉक्स किया। मैं आपको दिखाऊंगा कि यार कैसी ये लगती है। तो सॉरी गाइस, यार मैंने अभी नोटिस किया कि जो है वीडियो में आवाज़ थोड़ी स्लो है, तो प्लीज़ थोड़ा जो है मैं कोशिश तो करूँगा कि जो है तेज़ हो जाए किसी तरह, लेकिन जो है आपने गुजारा कर लेना है भाई। थोड़ा सा ऑडियो का इशू हो गया था। बाकी भाई कैसी लगी आपको अनबॉक्सिंग, और आपको इंशाल्लाह मेरी फ्यूचर वीडियोस के अंदर ये भी देखने को मिलेगा जो जो मैं चीज़ अनबॉक्स कर रहा हूँ, लाइट से आते यूज़ भी करूँ। जैसा कि आप मेरी रिंग लाइट देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं आई मीन, क्योंकि कैमरा उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कैसी लगी आपको अनबॉक्सिंग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, और ऐसी अगर मोर अनबॉक्सिंग चाहिए तो भाई सब्सक्राइब कर दो, मतलब जो है आप इस तरह तो मेरी वीडियोज़ मुफ्त में देख रहे हो, तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करो, सही है। और वीडियो जिसने एंड तक देखी है शुक्रिया। तो भाई मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।